उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में इन पेड़ों ने, जो पेड़ लगाए गए लगातार, उन किसानों को 5 वर्ष तक धनराशि मिलेगी। पहले चरण में हम लोग आज 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ का किसी ने इमारती लकड़ी के रूप में, किसी ने फलदार, किसी ने औषधीय, किसी ने पीपल, पाकड़, बरगद, किसी ने नौग्रह वाटिका लगाई होगी, किसी ने हरशंकरी लगाई होगी, किसी ने नक्षत्र साला लगाई होगी, और किसी ने अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन वैश्विक संस्थाओं से मान्यता दे रही है, 200 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, लखनऊ आज प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये प्रदेश की राजधानी भी है। हम लोगों ने कल ही इसको स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप करके इसके आसपास के क्षेत्र को आर्थिक प्रगति के एक नए मानक के रूप में स्थापित करने के एक बड़े अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन याद रखना, विकास हम जितना करेंगे उस विकास का लाभ लंबे समय तक लोगों को तब मिलेगा जब भौतिक विकास के साथ साथ उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति को हम न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में भी सहायक होंगे।